हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। हालांकि ये टोमेटो सूप जो है वो सर्दियों में काफ़ी फ़ायदा करता है। कहते हैं सर्दियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा भी बनता है, क्योंकि रीज़न होता है इसमें आते हैं हमारे देसी टमाटर। हालाँकि अभी भी वो आ रहे हैं, और वैसे भी अगर हेल्दी चीज़ का देखा जाए तो हेल्दी चीज़ तो हर चीज़ में, हर सीज़न में हेल्दी हो जाए, चाहे अभी बनाई जाए चाहे वो पहले की हो। तो अभी क्योंकि इस समय भी हमारे देसी टमाटर आ ही रहे हैं, तो हमने भी उर्वशी को ट्राई किया। आप इसको बस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो टमाटर होते हैं उनके सारे बीज निकाल दिए हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि टमाटर को सबसे पहले तो बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद उसको छान के उसके बीज वगैरह अलग करते हैं। लेकिन हम इसको बिना छाने ही बनाएंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले बीज को ही अलग कर दिया है। क्योंकि अगर हम बीज को साथ में पीसेंगे तो हमारा जो टोमेटो सूप है वो कड़वा सा हो जाता है, क्योंकि इसके जो बीज पीसते हैं ना वो बहुत बेकार लगते हैं, उससे टमाटर सूप का टेस्ट भी बेकार हो जाता है और वो खाने में भी नहीं अच्छे होते हैं। और इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत में 4 टुकड़े 5 टुकड़े में टमाटर काटिए, और इस समय काफ़ी बड़े बड़े बीज हैं तो उसको बड़ी आसानी से वो अलग हो जाते हैं। और इसके बाद हम बीज को जो है, बीज में भी काफ़ी रस होता है, तो उसको हम पूरी तरह से अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने इसके लिए छन्नी का यूज़ किया है। इसके बाद हम एक कुकर लेंगे, या अगर आप किसी भगोने में या किसी और चीज़ में भी बॉईल करना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने कुकर का यूज़ किया है क्योंकि इसमें बहुत इजीली ये बॉईल हो जाएंगे। और इसके हिसाब से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक, हालांकि टमाटर तो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट होता है जो काफ़ी टाइट रह जाता है, जो कि आपको बाद में दिक्कत करेगा, मतलब पीसने वगैरह में वो टाइट टाइट से अलग से पता चलता है। इसलिए मैंने सबको सब में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब देखिए, हमारे टमाटर जो है वो बॉयल हो गए बहुत अच्छी तरह से। टमाटरों को हम एक कटोरे में निकाल लेंगे और इसमें से एक एक करके हम सारे छिलकों को उसमें से निकाल लेंगे। बड़े आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि हमारे टमाटर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, छिलके बड़े आसानी से निकल जाते हैं। और इसके साथ ही हम इसको एक जार में, मिक्सी जार में, जिसमें भी हम पीसना चाहते हैं उसमें हम एक एक करके सारा पूरा निकाल देंगे छिलकों को अलग करके। देख, मेरे सारे टमाटर के छिलके अलग हो गए हैं। अब इसके बाद हम इतना पानी के साथ ही इसको एक जार में निकाल लेंगे और इसको बहुत ही महीन पीस लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट कितना महीन हो गया है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, और ऐसे ही हमारा जो इसका जूस का वो है टमाटर का, उसको हम इसमें कढ़ाई में निकाल लेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम पानी जितना डालना चाहते हैं, हमें जितना पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 3 कप के आसपास पानी डाला है, इतना और हमारे सूप के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही इसमें हम काला नमक ऐड कर देंगे। काला नमक से हमारे टमाटर सूप का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके बाद हमें सफ़ेद नमक भी डालना है। मैं इस समय भूल गई थी, मैंने इसको बाद में ऐड किया है। हम अच्छे से खौला लेंगे। इसके बाद हम काली मिर्च लेंगे 6-7, या जितनी आप जूस बना रहे, सूप बना रहे हैं सॉरी, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और उसको महीन महीन एकदम पीस लेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो वैसे खड़ी काली मिर्च होती है इसका ही अलग ही टेस्ट आता है। जो पिसी वाली होती है उसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट दब जाता है, इसलिए मैंने खड़ी काली मिर्च का यूज़ किया है, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब हम सबसे पहले इसको अच्छे से खोलने देंगे, क्योंकि खोलने के बाद इसमें जो टमाटर का थोड़ा बहुत भी कच्चापन होता है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो हमारे टमाटर जो हैं कच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब हम उसको पीस लेते हैं तो उसके बाद इसको अच्छे से खोलने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अब इसमें सफ़ेद नमक भी देखिए साथ में ऐड कर दिया है। मार्केट में जो सूप आता है उसमें वो फूड कलर का भी यूज़ करते हैं, मैंने इसमें बिना फूड कलर का बनाया है, जो टमाटर का हमारा ओरिजिनल रंग होता है उसी का। और हम एक कटोरी में या किसी में सादा पानी में हम थोड़ा सा 2 चम्मच अरारोट घोलेंगे। अरारोट हमारा जो है सूप को थोड़ा गाढ़ा कर देगा। आपको जितना भी सूप गाढ़ा रखना है आप उसके अकॉर्डिंग अरारोट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच का यूज़ किया है, 2 चम्मच अरारोट का। और जब ये अच्छे से खोल जाए तब हम इसको मिक्स कर देंगे। अरारोट डालने पर शुरुआत में तो हमारा जो सूप है वो वाइट सा लगेगा,
हालांकि थोड़ी देर खोलने के बाद ये अपने जो मेन कलर है इसमें आ जाएगा। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिना फूड कलर के इसको बनाया है। और अरारूट को ये गर्म पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में ही डालें, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम अरारूट को घोलेंगे तो उसमें गुठलियाँ आ जाती हैं, इसलिए हम सादा पानी में ही अरारूट को घोलेंगे। इसके बाद मैंने अपनी मिर्च भी, काली मिर्च भी डाल दी है पिसी हुई। इसको अच्छे से हम खोलने देंगे, क्योंकि अरारूट डालने के बाद भी थोड़ी टाइम लगता है हमारे सूप को थोड़ा सा गाढ़ा होने में। कभी कभी ये होता है कि मिर्च की गाँठें आ जाती हैं, तो उसको आप चाहें तो फोड़ के इसको सही कर सकते हैं। मेरे 2-3 गाँठें मुझे नज़र आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही उसको दबा दबा के सही कर दिया था। अब देखिए हमारा जो सूप है अच्छे तरह से खोल गया है। आप एक बार इसको इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, फिर बताइएगा आपका सूप कैसा बना। अब तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।